हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इस केटल की अनबॉक्सिंग। आज आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो है क्रम्पटन का केटल है और ये इंस्टा हॉट मॉडल है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल दिखा गया है, मतलब ये जो केटल होने वाला है वो चलेगा लाइन से, वैसे सारा चलता है लाइन से। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे कुछ आपका कंज्यूमर केयर नंबर दिया गया जो कि सर्विस नंबर, इस पर आप कॉल करेंगे तो इसकी जो वारंटी है इसमें क्लेम कर सकते हैं। और इसके नीचे है भी है कुछ क्रम्पटन के ब्रांडिंग, और साथ ही इस कोने में देखते हैं तो यहाँ लिखा गया है एक साल की वारंटी लिखा गया है। यहाँ लिखा गया हॉट वाटर सर्व इंस्टेंटली, और ये जो केटल होने वाला है वो हमारा कुछ 1.8 लीटर का होने वाला है। ये 1.8 लीटर का होने वाला है और ये जो रन करेगा वो करीब 1500 वाट पे ये रन करेगा, बड़ी स्मूथली 1500 वाट पे ये रन करेगा। इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें लिखा मिल जा रहा है 1500 वाट का ये केटल है, वो फिर ये रोबस्ट स्टेनलेस स्टील है, मतलब इसके जो केटल होने वाला है वो स्टेनलेस स्टील का मिल रहा है। और एक इंडिकेटर लाइट इसमें मिलेगा कि वो लाइट ऑन है या नहीं, ये फंक्शनिंग में है या नहीं, उसका ये इंडिकेट करेगा। और ये ऑटोमेटिक है जो टर्न ऑफ और ऑन होगा। इसके अगले साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, मॉडल नंबर, साथ में एमआरपी की बात करते हैं तो ये 1500 एमआरपी है। फ्लिपकार्ट से अगर ये परचेज करते हैं तो करीब आपका 1100 समथिंग में इसका रेट है, और अमेजन से परचेज करते हैं तो 950 करीब में इसका प्राइस है। उस पर मैनुफैक्चरिंग डेट है तो 2022 का है, और ये यहाँ पर लिखा गया है मेड इन चाइना। भाई साहब, इसको बाइकॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी इंडिया में बहुत कम ही बन रहा है। फटाक से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर में हमें कितना बढ़िया मिलता है केटल। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो ये कार्ड हमारे पास में है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और यही आपका शायद वारंटी कार्ड भी। हाँ करेक्ट, ये वारंटी कार्ड भी यहाँ पे लिखा गया है। देखिए वारंटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जब भी परचेज करेंगे डीलर से तो यहाँ पे वारंटी वो आपको भर के देगा। वैसे ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज करते हैं तो वारंटी भर के नहीं दिया जाता है, वो आप ऑनलाइन जो बिल मिलता है उसी से आपका वो वारंटी क्लेम हो जाएगा। इसको रखते हैं साइड में, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक वाला जो बेस है ये कैसा है। इसके अंदर देख सकते हो तो काफ़ी बढ़िया से ये एक पिन लगाया गया, जिसमें आप कैसे भी इसको ऊपर से रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अच्छे से फंक्शनिंग में होगा। इसमें तीन वायर है, लाइन का एक है, न्यूट्रल का एक है, ये आपका ग्राउंड। इसके पीछे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है क्रम्पटन की ब्रांडिंग, साथ में डू नॉट वॉश। यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है डू नॉट वॉश, इसको धोना नहीं है। अगर ये भींग जाता है तो इसको हेयर ड्रायर से ज़रूर इसको गर्म करके पानी को इवेपोरेट करवा दे। इसको रखते हैं साइड में और मेन केटल की बात करते हैं, तो पहले तो पन्नी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या शानदार लुक लग रहा है भाई साहब ये देखने में। और स्टेनलेस स्टील का है और यहाँ पे है नीचे क्रम्पटन की ब्रांडिंग, साथ में ये जो एलईडी लाइट, और काफ़ी बढ़िया सा ज़बरदस्त लुक लग रहा है देखने में ये भाई साहब, काफ़ी बढ़िया सा। ये रहा यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच, ये है यहाँ पे पुश बटन, इसको दबा करके इसे ओपन कीजिए, और लॉक करने के टाइम में आप इसको डायरेक्ट भी ओपन लॉक कर सकते हैं, वैसे इसको दबा के लॉक कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया शेप में कि ये जग का दिया गया है, जिसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं, और चाय बनाने के बाद एक तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से लग रहा है। इसके अंदर की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा स्टील का लग रहा है अंदर में, अंदर का काफ़ी प्रीमियम सा लुक लग रहा है। तो आप इसमें कुछ भी चिंता नहीं है कि कुछ फंगस वगैरह लग जाएगा, बड़ी आसानी से इसके अंदर हाथ भी चला जाएगा, पर हाथ अंदर घुसा के इसको अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि दूध आपने उबाल कर, दूध में क्या होता है कि वो थोड़ा बदबू करने लगता है कुछ दिनों बाद, इसमें आप हाथ डाल के अंदर में आप अच्छे से वॉश भी कर पाएंगे, अच्छे से धो पाएंगे। पीछे हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ है ये वाला सॉकेट, जो कि इस ये सॉकेट इसमें डाला जाएगा, और सॉकेट डालने के बाद ये इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू ये आपको फिर हीट करने लगेगा। दोस्तों, आपको ये केटल कैसा लगा हमें कमेंट से जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।